कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन में गरीबों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी समस्या को देखते हुए संत निरंकारी मिशन के द्वारा समर्पण दिवस के अवसर पर क्षेत्र के 40 असहाय गरीबों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस दौरान संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने लोगों से लॉकडाउन के नियम का पालन करने एवं सोशल डिस्टेंस अपनाने की अपील की। वहीं संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने लोगों से कोरोना वायरस के प्रति सावधानी बरतने एवं समय समय पर हाथ धोने की भी अपील की। इस दौरान संत निरंकारी मिशन के महुआ ब्रांच के संयोजक दिनेश सिंह, हाजीपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक रमेश कुमार, महुआ ब्रांच के सेवादल इंचार्ज सचिन कुमार, प्रमोद कुमार, राजकमल जायसवाल, लालू कुमार, सुबोध कुमार, प्रमोद कुमार, दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। हमारे मिशन में चैरिटेबल फाउंडेशन एक संस्था है जिसके द्वारा पूरे देश में विदेश में भी ये गरीब की सहायता की जा रही है। कहीं पे पका हुआ खाना बांटा जा रहा है, लेकिन महुआ ब्रांच अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये केवल कच्चा अनाज जो गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भूखा न रहे, सबको सहूलियत हो, और सहूलियत के हिसाब से हम सेवा दल के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको घर तक पहुंचाया जाए जिससे कि वो भूखे न रहे। सोशल में रहते हैं और माने क्या आदमी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस में रह के कोई भी कार्य करें और सोशल डिस्टेंस से ही सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह जी। ये 5 अप्रैल से शुरू हुआ है, लगभग अभी 4th राउंड चल रहा है। जब तक अगर लॉकडाउन करीब आगे बढ़ेगा तो फिर उसकी व्यवस्था आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। ये संत निरंकारी मिशन के तरफ से ये राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए राहत सामग्री कहाँ कहाँ बांटते हैं? ये इधर चंदा हुआ, महुआ हुआ, मलकौनी, अख्तियारपुर, मधौल, मंगुराही और कई जगह बांटा जा रहा है। करीबन ये सिर्फ ये बिहार में वैशाली जिला में नहीं, करीब और जगह भी बांटा जा रहा है। सब ये पैकेज सिर्फ मिशन के ही लोगों को देते हैं या सभी को देते हैं? नहीं, ये जरूरत नहीं किसी मिशन के ही लोगों को, गरीब लोगों जो असहाय हैं उनको।